नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे स्पेशल साइंस की जो हमारी क्लास चल रही है उसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा हमारा 17वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 16 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहां पर ऊपर आई का बटन दिया गया है, यहां पर जितने भी वीडियो इस सीरीज में आए हैं रेलवे स्पेशल साइंस की क्लास में वो मैंने सभी इस प्लेलिस्ट बना दी, और यहाँ से आप क्लिक करके आपको नीचे पूरे वीडियो खुल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने RRB जोन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि आप किस RRB जोन से बिलोंग करते हैं, और आखिरी में जरूर बताइएगा कि आपको 25 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए, मतलब आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो 2018 के ग्रुप डी LP RPF में पूछे गए थे, 2015-16 के NTPC में पूछे गए थे, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। आपको बताना है कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण संचार माध्यम से सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर आती है। किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। आपको बताना है कि बच्चों में किस चीज़ की कमी के कारण उनकी जो अस्थियाँ होती है वो मुड़ जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अंगों की जो अस्थियाँ होती है वो मुड़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ रहा तो डेली की तरह एक लाइक सभी स्टूडेंट्स कर दीजिए, और फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नया है मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है कहलाता है। आपको उस तापमान का बताना है कि उस तापमान को हम क्या कहते हैं जिसमें कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। क्या कहते हैं उसे? गलनांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। आपको बताना है कि जो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। क्या कहते हैं हम उसे? डायलिसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, देखिए RBC जो होता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लिया। किसको कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। आपको बताना है कि जो मिर्ची होती है उसकी तीक्ष्णता का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैप्साइसिन उपस्थित। जो कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण ही मिर्च तीक्ष्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। आपको बताना है कि नाशपाती का इनमें से कौन सा भाग खाने योग्य होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गूदेदार पुष्पासन। जो गूदेदार पुष्पासन होता है नाशपाती में वो उसका खाने योग्य भाग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। आपको बताना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो इनमें से किससे बनता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको बता रहे कि जो एक कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं। किसी जीव देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर का, न्यूट्रोफिलिया। क्या कहते हैं उसे? हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। जब अगर कोई वस्तु को हम ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उनकी चाल क्या होती है? घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो सभी ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आता, इसलिए हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। आपको बताना है कि अधिकांश जो कीड़े होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से। किससे करते हैं? वातक तंत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, आपको बताना जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें अर्थ का उपयोग क्या होता है, अर्थिंग देते हैं ना अपन, उसका क्या उपयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा के लिए। किस लिए होता उपयोग होता है? सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है, आपको बताना कि इनमें से किसकी खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्याज। देखिए प्याज की खेती जो होती है वो पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसीबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, आपको बताना कि डेसीबल है वो किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस रंगीन है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस होती है वो रंगीन गैस की श्रेणी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है लेकिन धक्का देने में असफल रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कोई भी कार्य नहीं। कोई भी कार्य नहीं हुआ माना जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है लेकिन कोई विस्थापन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं कि उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं होता, जबकि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये सभी रक्त जो होते हैं वो गुर्दे के कार्य होते हैं, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये मानव गुर्दे का कार्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है जो सेफ्टी रेजर है उसका आविष्कार किसने किया था। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिलेट। किसने किया था? जिलेट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का आवर्तकाल होता है, आपको बताना है कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में। कहाँ पे होता है? कशेरुकी रज्जु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन, आपको बताना है कि बिजली के पंखे की गति जो बदलते हैं उसके लिए प्रयुक्त कौन सा साधन यूज करते हैं। तो आप सभी को पता होगा अपने घरों में लगा रहता है, रेगुलेटर होता है। क्या होता है? उसे रेगुलेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, आपको बताना है कि धूप के चश्मे होते हैं उनकी क्षमता कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डायोप्टर। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। दोस्तों आज मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के, रेलवे के लिए 2019 की परीक्षा के लिए बताए हैं, आपको बताना है, जो कि हमारा 17वें नंबर का वीडियो था। आपको 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे, कितने मार्क्स आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, 20, 22, 23 जितने भी आए हो आपको। और आखिरी में जरूर बताइए कि आप किस RRB जोन से, आपका RRB जोन का नाम न लिखना भूलें जहाँ से भी आपने फॉर्म डाला है। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।